15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा था कि नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। उसी रोज़ गुजरात की भाजपा सरकार ने बिल्किस बानो के सभी गुनहगारों को रिहा करने का फैसला किया। बलात्कार और हत्या करने वाले ये खूंखार अपराधी जब जेल से बाहर आए तो उनका तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। समाज को शर्मिंदगी का एहसास कराती उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सोचिए, इन खूंखार अपराधियों को मिठाई खिलाकर इनका स्वागत करने वाले वर्ग का क्या एक समाज के तौर पर इतना नैतिक पतन हो चुका है कि वह अब बलात्कारियों और हत्यारों का जेल के बाहर स्वागत करने लगा है। बिल्किस बानो के गुनहगारों की रिहाई पर उनके पति याकूब रसूल ने कहा कि जिस लड़ाई को हम वर्षों से लड़ रहे थे वह एक क्षण में बिखर गई। अदालत की ओर से दी गई उम्र कैद की सज़ा को मनमाने तरीके से कम कर दिया गया। मैंने सज़ा कम करने की इस प्रक्रिया के बारे में आज तक सुना भी नहीं था। याकूब रसूल गुजरात में दाहोद के देवगढ़ बैरिया में रहते हैं। बिल्किस बानो अभी 41 साल की हैं। जब उनके साथ दरिंदगी हुई थी तब वह करीब 20 साल की रही होंगी। बिल्किस के 11 गुनहगारों की रिहाई के बाद उन्हें फूल माला और मिठाई से स्वागत करने पर याकूब रसूल ने कहा कि अभी बिल्किस किसी से भी बात करने की स्थिति में नहीं है। हमें पता है कि सभी गुनहगार अपने घर पहुंच गए हैं। इन्हें पैरोल पर पहले भी छोड़ा गया था। ऐसा कई बार हुआ लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से छोड़ दिया जाएगा। याकूब कहते हैं कि 2002 में जो हुआ वह खौफनाक था। बिल्किस के साथ जो बर्बरता हुई वह अकल्पनीय थी। उसने अपनी बेटी की हत्या अपनी आंखों के सामने देखी। एक माँ, एक महिला और एक इंसान के रूप में उसने सारी बर्बरता झेली। इससे बुरा और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब हम यही चाहते हैं कि हमें अकेला छोड़ दीजिए। हमें अपनी सुरक्षा को लेकर डर है लेकिन अब कुछ करने की हिम्मत और वक्त नहीं है। द वायर में प्रोफेसर अपूर्वा नंद ने एक लेख लिखा। अपने लेख में उन्होंने लिखा कि यह ठीक ही था कि गुजरात सरकार ने भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह उन 11 अपराधियों को जेल से आज़ाद करके मनाई जिन्होंने 2002 में बिल्किस बानो और दूसरी औरतों का सामूहिक बलात्कार किया था और बिल्किस की 3 साल की बच्ची सालेहा को मार डाला था। ये सब आज़ाद किए जाने के लिए पर्याप्त योग्य थे क्योंकि आखिर इन्होंने मुसलमान औरतों का बलात्कार किया था और मुसलमानों की हत्या की थी जैसे वीर सावरकर की इच्छा थी। इसे अपराध कैसे कहा जा सकता है? यह सावरकर के मुताबिक एक राजनीतिक या विचारधारात्मक कार्रवाई थी। सरकारों ने इस साल किसी भी दूसरे साल से अधिक सावरकर को भारतीय स्वतंत्रता प्रमुख नायक के रूप में पेश किया था। उनकी विचारधारा आज के भारतीय राज्य की आधिकारिक विचारधारा है। सावरकर ने अपनी किताब 6 गौरवशाली अध्याय में बलात्कार को राजनीतिक हथियार के तौर पर जायज ठहराया था। सावरकर जिस पार्टी के वैचारिक गुरुओं में से एक हैं उनके द्वारा परिवर्तित विचारधारा के अनुसार मुसलमानों का कत्ल और मुसलमान औरतों का बलात्कार वैध है और किया जाना चाहिए जिससे वे हिंदुओं के साथ वैसा ना कर पाए। मुसलमानों के हत्यारों और बलात्कारियों की जेल से रिहाई से भारतीय जनता पार्टी सरकारों द्वारा मनाए जा रहे अमृत महोत्सव का अर्थ स्पष्ट समझ में आता है। यह अमृत किसके लिए है और किसके लिए यह विष है? इसमें कोई विडंबना नहीं है कि इन अपराधियों की वक्त के पहले रिहाई के लिए जो कारण बताए गए हैं उनमें एक अपराध की प्रवृत्ति भी है। जिस अपराध को आप जघन्य अक्षम्य कहेंगे उसे गुजरात के अधिकारियों और फिर गुजरात सरकार ने इन मुजरिमों को स्वतंत्रता का अमृतदान देने योग्य माना है। खबर है कि सजा में यह असाधारण छूट पंचमहल की जेल सलाहकार समिति के सर्वसम्मत निर्णय के बाद उसे राज्य सरकार से स्वीकृत किए जाने पर दी गई है। जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता वाली इस समिति में 8 सदस्य थे। जेल, पुलिस, स्थानीय न्यायपालिका, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के अलावा 2 जनप्रतिनिधि इस समिति के सदस्य थे। वे दोनों भाजपा के हैं इसलिए उनकी विचारधारा स्पष्ट है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सावरकर की विचारधारा कितनी अदृश्य और कितनी सहज हो गई है। हम इसका अनुमान कर सकते हैं कि इनमें से बहुमत बलात्कारी को फांसी का नारा लगाएगा। हमारे देश में हत्या को उतना बड़ा अपराध नहीं माना जाता जितना बलात्कार को माना जाता है। फिर क्यों इस समिति के सदस्यों ने आज़ादी के 75वें साल के मौके पर इनके प्रति यह उदारता दिखलाई होगी?
ये 11 बलात्कारी और हत्यारे उस गिरोह का हिस्सा थे जिन्होंने 3 मार्च 2002 को 17 मुसलमानों को घेरकर उन पर हमला किया था। बिल्किस और उसके परिवार के ये 17 लोग अपने गुजरात के दाहोद जिले के अपने गांव राधिकापुर से जान बचाने को लेकर भागे थे। वे अपने ऊपर हिंसा के डर से भागे क्योंकि एक दिन पहले गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगने और उसमें 56 लोगों की जलकर मृत्यु हो जाने के बाद मुसलमानों पर हमले शुरू हो गए थे। जो ये कहते हैं कि गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा गोधरा की प्रतिक्रिया थी, वे नहीं जानते कि बिल्किस और उसके परिजनों के डर की ठोस वजह थी। पिछली बकरीद को उनके गांव में मुसलमानों पर हमले हुए थे। इन्हें ठीक ही डर था कि फिर उन पर हमला होगा। भागते भागते वे 3 मार्च को छपरवाड़ गांव पहुंचे, जहां उन्हें लाठी हसिया फरसे तलवार लिए दंगाई गिरोह ने घेर लिया। इस गिरोह ने बिल्किस और 3 औरतों के साथ बलात्कार किया। बिल्किस की 3 साल की बेटी सालेहा का सर पटक कर उसे मार डाला और परिवार के 14 लोगों की हत्या कर दी। इनमें से 6 की लाशें भी नहीं मिली। बेहोश बिल्किस बच गई। एक आदिवासी औरत ने उन्हें देह ढकने को कपड़ा दिया। एक होमगार्ड की मदद से वह लिमखेड़ा थाने पहुंची। उन्होंने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन जैसे बाद में सीबीआई ने लिखा कि हेड कांस्टेबल सोम भाई गोरी ने तथ्य दबा दिए, उन्हें तोड़ मरोड़ कर दर्ज किया और आधी अधूरी रिपोर्ट लिखी। जब बिल्किस गोधरा राहत शिविर पहुंची और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उनके मामले में को अपने हाथ में लिया, तब उनकी इंसाफ की वह लड़ाई शुरू हुई, जिसमें गुजरात पुलिस ने हर मुमकिन बाधा खड़ी करने और बार बार जांच बंद करने के लिए रिपोर्ट दाखिल की थी। वह वक्त दूसरा था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मानव और अधिकार दोनों के भाव जीवित थे। गुजरात के सरकारी तंत्र ने बिल्किस के मुजरिमों को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तब सर्वोच्च न्यायालय में भी न्याय की सर्वोच्चता और उसे निश्चित करने के अपने दायित्व का बोध था, इसलिए कई दूसरे मामलों की तरह इसे भी गुजरात से हटाकर महाराष्ट्र में ले जाने का हुक्म दिया गया। बिल्किस को अभियुक्त जान से मारने की धमकी दे रहे थे। 6 साल के कठिन संघर्ष के बाद बिल्किस को इंसाफ मिल पाया। इन 6 सालों में उसे और उसके शौहर को बार बार शहर बदलना पड़ा, पोशीदा जिंदगी जीनी पड़ी। देश भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने उसे इंसाफ मिलने तक जीवित रखने के लिए छिपा कर रखा। 2008 में मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट की मोहर भी लगी थी। इस अपराध के 17 साल बाद सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस के साथ हुई नाइंसाफी की भरपाई के लिए गुजरात सरकार को उसे 50 लाख रुपये घर और नौकरी का मुआवजा देने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अपराध की गंभीरता को देखते हुए दिया था। फिर इस गंभीरता का एहसास खत्म क्यों हो गया? क्यों गुजरात के अधिकारी और सरकार यह नहीं सोच पाए कि इनकी रिहाई से बिल्किस और उसका परिवार कितना असुरक्षित हो जाएगा? क्यों राज्य बिल्किस की तरफ से नहीं सोच पाया? कुछ अखबार अफसोस कर रहे हैं कि गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री की नारियों को सम्मान देने की सलाह के खिलाफ काम किया है। क्या वे अखबार यह भूल गए हैं कि जो आज प्रधानमंत्री हैं वे बिल्किस के न्याय के संघर्ष के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनकी पुलिस बिल्किस के साथ हुए अपराध की जांच भी नहीं करना चाहती थी। उनके मुख्यमंत्री काल में गुजरात में बिल्किस असुरक्षित थी, इसलिए उसे बार बार राज्य और जगह बदलनी पड़ती थी। बिल्किस नाम की औरत के न्याय के संघर्ष के लिए गुजरात सुरक्षित नहीं था। मुकदमा राज्य से बाहर जाना पड़ा। अखबार ये सवाल नहीं कर पाए कि आज के उपदेशक ने सारे साधन होने के बावजूद बिल्किस को उसके संघर्ष में अकेला क्यों छोड़ दिया था? क्यों उस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिल्किस बानो असुरक्षित थी? क्या यह सवाल सिर्फ जाकिया जाफरी को करना है? और क्यों 20 साल तक यह सवाल कर पाने के लिए जाकिया के साथ खड़े होने के चलते तीस्ता को जेल में रहना है? बिल्किस बानो ने अपने साथ हुए गंभीर अपराध और अत्याचार के बावजूद गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। छलनी शरीर और मन के साथ उन्होंने इंसाफ की लो अपने मन में जलाए रखी। लंबे संघर्ष के बाद पहले बिल्किस बानो के गुनहगारों को सजा हुई थी। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिल्किस बानो को 50 लाख रुपये का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास देने का आदेश दिया था, उस वक्त बिल्किस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे दर्द मेरी पीड़ा और 2002 की हिंसा में कमाए गए मेरे संवैधानिक अधिकारों को वापस
पाने के संघर्ष को समझा। किसी भी नागरिक को सरकार के हाथों पीड़ा नहीं झेलनी चाहिए, जिसका कर्तव्य हमारी रक्षा करना है। अब बिल्किस अपने गुनहगारों के माथे पर तिलक लगा देखकर फिर खुद को हारा हुआ महसूस कर रही होंगी, लेकिन ये अकेले उनकी हार नहीं है, ये एक सभ्य समाज के तौर पर हम सब के पतन की पराकाष्ठा है। सोचिएगा जरूर कि जिस देश में महिलाओं की पूजा होती है, उस देश में एक महिला के साथ दरिंदगी करने वालों की सज़ा माफ़ कर दी गई। जहाँ तक याद पड़ता है, बिल्किस बानो के गुनहगारों की सज़ा माफ़ करने का फैसला दुनिया का एकमात्र मामला है। देश और दुनिया में हत्यारे, चोर, लुटेरों, यहाँ तक के आतंकवादियों तक की सज़ा माफ़ होने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन बलात्कारी, हत्यारों की सज़ा माफ़ होते कभी नहीं देखा गया। अब नए भारत में यह भी हो गया है। We'll be right back.